हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल भारतीय। सब लोग में तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और सुबह के सारे काम मैं कर चुकी हूँ। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा गीला दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ये चने रात में भिगो दिए थे, क्योंकि सब्जी घर कोई है नहीं, तो हमें कल लगा कि मैं चने भिगो देती हूँ, क्योंकि इनसे जो मैं सब्जी बनाऊँगी या चने के छोले बनाऊँगी। और ये काले वाले चने हैं, तो मैंने इनको रात में गला दिया था, ये अच्छे से फूल गए हैं। और ये छोटे वाले हैं, इससे बड़े आते हैं, लेकिन ये सबसे छोटे वाले चने हैं, देसी हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनका स्वाद बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इनके अंदर जो है सौंधापन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने इनको अच्छे से साफ कर लिया है। और जो इनके अंदर खराब चने थे, जो थोड़े से पिचके टाइप में थे, पिचके पिचके होते हैं वो थे, तो उनको मैंने निकाल दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इनको अच्छे से धुला हुआ है, 4-5 पानी में मैंने रगड़ रगड़ के इनको धुला हुआ है। और मैं इनको रख देती हूँ उबलने के लिए, तब तक कि मैंने नहाया नहीं है। मैंने सोचा चलो मैं इनको पहले रख देती हूँ, तो ये अपना उबलते रहेंगे और बाकी काम मैं बाद में करती रहूँगी, क्योंकि लाइट 10 बजे चली जाती है और फिर 12 बजे आती है। इसकी वजह से मैंने यहाँ ये काम कर रही हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया हुआ है और 2-3 तेज पत्ते ऐड किए हुए हैं, 2 हैं शायद, 2 तेज पत्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बस इसको मैं रख दूँगी उबलने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रख दिया है, तो ये अपना बॉयल होते रहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं, नहाने से पहले मैंने अभी बाहर नहीं साफ किया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है और बारिश बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और सर्दियों में इतनी ज़्यादा बारिश, बस ठंड है उसके ऊपर से, ये बारिश तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं पहले साफ कर लेती हूँ नहाने से पहले। तो यहाँ पे मैं साफ सफाई कर रही हूँ, और कितना भी साफ कर लो लेकिन फिर भी मिट्टी अंदर जाती रहती है। आप लोग साइड में देख रहे हैं, ये मिट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि बगल वाला प्लाट बन रहा है, इसकी वजह से ये मिट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा मिट्टी आती जाती रहती है। लेकिन क्या किया जाए, बिना सफाई किए बस मन नहीं मानता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए सफाई होती है और फिर से वही हाल हो जाते हैं, वही मिट्टी फिर से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, फिर भी अभी मिट्टी पूरी तरीके से नहीं गई है, लेकिन हाँ, मन को तसल्ली रखने के लिए इसको साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आ गई हूँ, नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ, कुछ तैयारियाँ थी जो मैंने पहले से ही कर ली थी। यहाँ पे लाइट क्योंकि चली जाती है, मैंने आप लोगों से बताया कि लाइट चली जाती है, फिर 12 बजे आती है यहाँ पे। तो मैंने प्याज और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मैंने पहले से ही इनको पीस के रख लिया है, और बस अब लाइट की टेंशन नहीं, आए या ना आए, क्योंकि सारे काम हमारे जो ज़रूरत वाले थे वो मैंने कर लिए हैं यहाँ पे। ये देखिए, टमाटर वगैरह मैंने पीस लिए हैं और छोले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं, बॉइल हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। और यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है यहाँ पे दूसरे बर्तन में। और इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है हाथ से, क्योंकि ये टाइट हो जाते हैं, बॉइल होने के बाद ये टाइट हो जाते हैं। इतने सारे मैंने निकाल लिए हैं खाने के लिए, क्योंकि इसमें नमक पड़ा है तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे चावल रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने छोले में छौंक नहीं लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले चावल रख देती हूँ, चावल अपना पकते रहेंगे। तो यहाँ पे बस मैं चावल धुल के अच्छे से मैं इनको रख दूँगी, तो ये पकते रहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो हमें गैस में बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कढ़ाई मैंने रख दी है यहाँ पे, और तेल मैंने ऐड कर दिया है। और तेल जब हमारा गर्म हो चुका है, मैंने इसमें जीरा ऐड किया हुआ है, तेज़पत्ता और थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, जब खड़े मसाले हमारे हो गए अच्छे से, तो मैंने लहसुन अदरक और प्याज का जो पेस्ट था, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद में मसाले ऐड कर दिए हैं, बस इनको अच्छे से मैं पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे सारे मसाले और थोड़ा सा पानी हमको ऐड करना है, ताकि ये मसाले जले नहीं। तो मसाले तो मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे, तो मसाला हमारा पक चुका है। फिर मैंने जो टमाटर पिसा हुआ रखा था, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है, और बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए ही पकाऊंगी अच्छे से मिला के। तो यहाँ पे टमाटर और सारे मसाले हमारे पक चुके हैं, तब मैंने इसमें जो मैश किया हुआ छोला हाथ से था, उसको भी मैंने डाल दिया है। ये काले वाले छोले हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। थोड़े थोड़े चने में ऐसे ही मैंने रख दिए थे, तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिलाऊंगी इसमें मसाले। और मसाले जब हमारे मिल गए हैं, तो वो जो छोले का पानी थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद में जितना पानी हमें ज़रूरत होगी, जितनी ग्रेवी, उतना ही पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये गाढ़े हो जाते हैं बनने के बाद। और थोड़े से मैश मैंने हाथों से कर दिया था, तो ये और भी गाढ़े हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बस मैंने इसमें नमक थोड़ा सा ऐड किया हुआ है,
स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक मैंने पहले से ही ऐड किया हुआ था। बस उसके बाद में मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये बस उसी छोले के तरीके बनते हैं, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों को नहीं मैं दिखा पाई, शायद एडिट करते समय ये छूट गया है। और मैंने यहाँ पर चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। तो बस छोले हमारे पक के रेडी हो गए हैं। और बस इसमें मैं थोड़ी देर मैं यहाँ पे तवा रख देती हूँ, क्योंकि तवा गर्म होने में टाइम लगता है। और जो कटा हुआ धनिया पत्ता था मैं उसको रख डाल देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं छोले हमारे दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि आटा भी मैंने पहले से लगा दिया था और आटा भी हमारा अच्छे से हो गया था। तो मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खाना हमारा बनके रेडी हो गया है। और मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, गर्मा गर्म ये खाना है, तो छोले और चावल रोटी। और ये छोले खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, क्योंकि ये छोले उनसे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो वो छोले बड़े वाले छोले आते हैं चने बड़े वाले, तो यहाँ पे खाना मैंने रेडी कर दिया और लगा भी दिया। और मैं लगा देती हूँ खाना सबके लिए। तो फ्रेंड्स, खाना बनके हमारा तैयार हो गया है। और ये काले वाले चने हैं, तो ये काले वाले चने का छोला है और खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने सबको खाना दे दिया है और अपने लिए भी मैंने निकाल लिया है खाना। और आप लोग भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे छोले और चावल और रोटी और उसके बाद साथ में सलाद। तो आप लोग भी खा लीजिए, तो फ्रेंड्स हम भी खा लेते हैं।